विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर, 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसात पर। MNC कंपनीज जैसे नेटको फार्मा, जॉनसन एंड जॉनसन, PNG, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के करीब शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर, गेटेड कम्युनिटी, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, केयर टाइटल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। आप सभी का खैर मकदम है A18 तेलंगाना न्यूज़ पर। आज बरोज़ इतवार यानी संडे बतारीख 16 जुलाई का दिन है। आइए देखते हैं A18 तेलंगाना न्यूज़ का खास खबरनामा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानी। BJP पार्टी टी राजा सिंह की मौतली को मनसूख करने के लिए तैयार है, लेकिन पेशकश एक सवार के साथ आती है। भगवा पार्टी इस एहसान के बदले में गोशा महल से 2 बार के रुकन असम्बली को अगले साल होने वाले आम इंतखाबात में ज़हीराबाद लोकसभा हलके से इलेक्शन लड़ना चाहती है। पार्टी मुबैना तौर पर साबिख़ वज़ीर मुकेश गौड़ के बेटे विक्रम गौड़ को गोशा महल से असम्बली इंतखाबात में उतारने का मंसूबा बना रही है, जो इस साल के आखिर में होने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि राजा सिंह ने 2014 के असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट पर इंतखाब लड़ने वाले मुकेश गौड़ को शिकस्त दी थी। 2018 में राजा सिंह ने सीट बरकरार रखी, जबकि मुकेश गौड़ ने BRS के प्रेम सिंह राठौड़ के पीछे तीसरे नंबर पर रहे। ज़राए के मुताबिक राजा सिंह अब मुखसमे में है, क्योंकि BJP इनकी मौतली की मनसूखी को इनके साथ जोड़ रही है। गोशा महल में जीत की हैट्रिक और लोकसभा इंतखाबात में ज़हीराबाद से इलेक्शन लड़ने का ख्वाब तरक कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्टी सिर्फ इस सूरत में इनकी मौतली को मनसूख करने के लिए तैयार है, जब वो लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने पर राजी हुए। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी तारक रामा राव आज जब अपने काफिले के साथ कामारेड्डी से हैदराबाद वापस हो रहे थे, इसी असना में नेशनल हाईवे चेगुंटा ज़िला मेदक के पास RTC बस ने एक कार को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार में मौजूद 2 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। इस हादसे को देखते हुए वज़ीर KTR ने अपने काफिले को रोक दिया और अपनी कार से उतर गए और फौरन ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करवाने में मदद की। वज़ीर KTR की इंसानी हमदर्दी ने अवाम के दिलों को जीत लिया। तेलंगाना इंतखाबात से पहले BJP रज़ाकार फिल्म की सरगर्मी से तशहीर कर रही है। हफ्ते को शहर में फिल्म रज़ाकार दी साइलेंट जीनोसाइड ऑफ हैदराबाद की पोस्टर लॉन्च तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में भारतीय जनता पार्टी BJP के सीनियर कायदीन, साबिक़ तेलंगाना सरबरा और करीमनगर के रुकन पार्लिमान बंटी संजय कुमार, साबिक़ रुकन पार्लिमान AP जितेंद्र रेड्डी और महाराष्ट्र के साबिक़ गवर्नर C विद्यासागर राव की मौजूदगी देखी गई। भारत राष्ट्र समिति BRS में अंदरूनी इख्तलाफात इतवार को उस वक्त खुल गए, जब जुबली हिल्स के MLA मगंती गोपीनाथ और उनके आदमियों ने पार्टी के एक और लीडर रूला श्रीधर रेड्डी की फ्लेक्सी लगाने पर अपनी ही पार्टी के कारकुन के अरकान ख़ानदान पर मुबैना तौर पर हमला करके ज़ख्मी कर दिया। तेलंगाना स्टेट एजुकेशन एंड वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये सारा वाकया गणेश के घर के करीब लगे CCTV कैमरों में कैद हो गया। वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस पर कई हलकों से रद्देअमल सामने आया, क्योंकि गणेश पर MLA के फॉलोवर्स ने पुलिस अहलकारों की मौजूदगी में हमला किया।